प्यारे छात्रों, कवि गुलजार जी दूसरे परिच्छेद में कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले छात्रों की पूरी शाम, छात्रों का पूरा दिन, कईयों का पूरा दिन, लोगों का पूरा दिन किताबें पढ़ने में ही जाता था। लेकिन जब से कंप्यूटर आया है तब से ये हालत बदल गई है। कंप्यूटर आ जाने के कारण किताबों को कोई अलमारी से बाहर निकाल कर पढ़ता नहीं है और किताबों की उपयोगिता कम हो गई है। किताबों की उपयोगिता कम हो जाने के कारण कवि गुलजार जी इन्हीं किताबों का दुख, इन्हीं किताबों का दर्द प्रस्तुत कविता के माध्यम से पाठकों को समझाने का प्रयास कवि ने किया है। क्योंकि किताबों की जो खस्ता हालत है ये कंप्यूटर आने के कारण है। क्योंकि कंप्यूटर के पर्दों पर केवल क्लिक कर देने से त बह तह खुलता चला जाता है और ये खुलता चला जाने के कारण मनचाही किताब कंप्यूटर पर लोग पढ़ लेते हैं, जबकि अलमारी से किताबों को कोई बाहर निकालता नहीं है। और जब किताबों की एक खस्ता हालत हो गई है तो उस खस्ता हालत में किताबें कभी कभी उनकी आंखों से सिसकियां निकलती हैं और उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है। किताबें कहती हैं कि हमें कोई उन किताबों से बाहर निकाले, अलमारी से बाहर निकाले, और अलमारी से बाहर निकाल जब हमें निकालेगा तो हमें बड़ा सुकून होगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई तो हमारी कद्र करने वाला है। तो किताबों की कद्र जो कम हो गई है वो किताबों की कद्र दोबारा कोई करे, क्योंकि किताबों को अब अलमारी में पड़े पड़े नींद में चलने की आदत सी हो गई है और नींद में चलने की आदत होने के कारण किताबें कवि से कहती हैं कि आपकी शाम जो कंप्यूटर के पर्दों पर गुजरती है वह हमारे साथ आपकी शाम गुजरे। यही किताबें प्रस्तुत कविता के माध्यम से या गुलजार जी के माध्यम से कहती हैं।